वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं गाइस आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसका रिव्यू। बिना देर के स्टार्ट करेंगे हमारा वीडियो, पर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, बिना देर के स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। तो ये है वादी हर्बल का एंटी एजिंग क्रीम विद एक्सट्रैक्ट ऑफ आलमंड, व्हीट ग्राम एंड रोज। ठीक है, ये एंटी एजिंग क्रीम है जिसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरह की रेड कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुआ है। मैंने इसे मंगवाया है नायका से, पर ऑनलाइन आप इनको और किसी भी स्टोर से, मतलब कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑफलाइन तो पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं, बट ऑनलाइन ये इजिली मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूँ इसका प्राइस और क्वांटिटी। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 30 ग्राम्स, और जो इसका प्राइस है वो है 68 रुपीज़। और इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स। आपको 3 साल का टाइम मिल जाता है इसको यूज़ करने के लिए, जो कि अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, और जो गाइस प्राइस तो इसका 68 रुपीज़ है, बट नायका में डिस्काउंट में आपको 5-10 रुपये कम में मिल सकता है। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप जो भी सामान ऑर्डर करें जब सेल चल रही हो तभी ऑर्डर किया करिए। आप पहले कार्ट में ऑर्डर जो है अपना ऐड कर लीजिए, कार्ट में जो जो आपको चाहिए डाल लीजिए। तो जब आपको लगे कि सेल लग रही है, इसका प्राइस कम हो गया है, तभी ऑर्डर करिए। उससे ये बेनिफिट होता है आपको, डिस्काउंटेड प्राइस में आपका सामान जो मनपसंद होता है वो मिल जाता है। ठीक है, अब इस तरह की पैकेजिंग अब बात करते हैं इसकी। इस तरह की पैकेजिंग में ये रिसीव हुआ है। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुंदर है। ठीक है, और यहाँ नीचे डिटेल्स में मेंशन है इसका मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, प्राइस, ये सब। और यहाँ पे मेंशन है इसके इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, इसको कैसे यूज करना है वो सब डिटेल्स यहाँ मेंशन है। इसमें एलमंड है, एलमंड का क्या बेनिफिट होता है स्किन पे वो लिखा हुआ है, व्हीट ग्राम का क्या बेनिफिट होता है वो लिखा हुआ है, और रोज का स्किन पे क्या बेनिफिट होता है ये सब चीजें। और नीचे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है, इसीलिए मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लेना चाहते हैं एंटी एजिंग क्रीम, ठीक है, और इनफैक्ट कम एज में, तो क्योंकि एंटी एजिंग क्रीम ये है कि जरूरी नहीं आपके रिंकल्स जब आए आपको अभी यूज करना है। एंटी एजिंग क्रीम आपको आफ्टर 22 ईयर स्टार्ट कर देना चाहिए। तो एज कम होती है या बड़ी होती है तो केमिकल जितना कम से कम हो सके अपनी स्किन पे यूज करना चाहिए। इसीलिए मैं बता रही हूँ जो भी हर्बल प्रोडक्ट है कोशिश करिए वो यूज करने की। ठीक है, रिंकल्स क्रीम जो है 22 ईयर्स के बाद आपको यूज कर लेनी चाहिए। ये इसलिए होता है कि जो रिंकल्स आने वाले हैं फेस पे वो रुक जाए, वो जल्दी से नहीं आए। ठीक है, तो जिनको रिंकल्स हैं वो तो यूज करेंगे ही। तो एक इससे पहले भी मैंने एक एंटी रिंकल क्रीम जो है वो उसका रिव्यू शेयर किया हुआ है ओजोन की, तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर लूंगी, आप प्लीज चेक करिएगा उसे भी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, आलमंड है इसमें, व्हीट ग्राम जैसे कि इन्होंने हर जगह ये मेंशन किया और मैं बता चुकी हूँ, और व्हीट ग्राम ऑयल है, विटामिन ई है, मंजिष्ठा है इसमें, एक्सट्रैक्ट है उसका, कोकोनट है इसमें, और रोज वाटर, ये सारी चीजें हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम नेचुरल है, एकदम नेचुरल। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब मैं बात करती हूँ इसकी इनर पैकेजिंग की। ठीक है, ये बॉक्स काफी बड़ा है पर उस हिसाब से प्रोडक्ट बहुत छोटा है, मतलब छोटे से कंटेनर में, क्यूट से कंटेनर में आ जाता है। ये रेड कलर के स्टिकर्स हैं इस पे, व्हाइट कलर का छोटा सा टब है जिसमें हमारा प्रोडक्ट है। इस पे गाइस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी मेंशन नहीं है टब पे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या क्लेम करते हैं, रिड्यूस फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, रिड्यूस डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन, डिलेज स्किन एजिंग और इवन स्किन टोन। तो ये सारे क्लेम जो हैं ये करते हैं। अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, इस तरह से ये कवर्ड होता है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा, कॉम्पैक्ट सा है, तो ट्रैवल फ्रेंडली है, मेरे ख्याल से लीक भी नहीं करता ये। तो इस तरह का प्रोडक्ट है आपका स्ट्रॉबेरी कलर का।
ठीक है, जैसे वनीला आइसक्रीम आती है ना छोटे से कप में, वैसा, सॉरी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आती है ना वैसा कलर है इसका, एकदम स्ट्रॉबेरी जैसा। इसकी फ्रेग्रेंस जो है ना बहुत ही माइल्ड है, बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है फ्रेग्रेंस इसकी। तो इसको जो सेंसिटिव, जिनकी नोज होती है, जिनको बहुत ज्यादा स्मेल वगैरह अच्छी नहीं लगती, उनको भी इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही माइल्ड है और लगाने के बाद ये गायब हो जाती है। अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, हल्की हल्की रोज की, सभी चीजों के मिक्स इसमें फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड सी आती है। अच्छी खुशबू है, पिंक कलर का ये है, लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर का। अब मैं आपको बता देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी, दिखा देती हूँ, थिक कंसिस्टेंसी है, थिक कंसिस्टेंसी है, इजीली ब्लेंड होता है, पर जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको ड्राई होने में ना, मतलब जैसे मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे इसे अच्छे से मसाज करनी पड़ती है, तब जाके ये जो है मेरी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है, और ऑब्जर्व होने के बाद मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चराइजर की, मतलब जो है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहती है, सॉफ्ट रहती है, मतलब आपको ग्रीसी ग्रीसी ज्यादा फील नहीं होगा। ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, और ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये जो है आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है और एकदम आपको ड्राई ड्राई फील होता है, हल्की सी सॉफ्टनेस जो है वो रह जाती है। तो मेरी तरफ से गाइज ये था इसका रिव्यू। मैं इस प्रोडक्ट को 100% रिकमेंड करूंगी, हर्बल होने के साथ साथ ही अफोर्डेबल है। ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपको, तो मेरे स्किन पे इसने वर्क किया है, मुझे ये पसंद आया है, तो इसको मैं रिकमेंड करती हूँ। ये था मेरा वीडियो आज का, तो मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।